विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो, कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके बैठा तो है, यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा, हाँ मैंने नवनव की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो, दो मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी, छोटी सी भी क्यों ना महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें, प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं, विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है, विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें, हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे। हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो जो डर, लालच,
ईर्ष्या नफरत से बचाता है। अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, परस्पर निर्भर बनकर मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले, सबकी चेतना ऊपर उठे, चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है। सबको भोजन रोजगार मिल रहा है, शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है, सबको उपचार प्रकाश मिल रहा है, उपचार प्रकाश शुभ्र प्रकाश सबको मिल रहा है, सबको भरपूर हवा जल धूप ऑक्सीजन मिल रही है, सभी प्रेम आनंद मौन में नहा रहे हैं, ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूं सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है, सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है, आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें, अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। मन ही मन में अपने शब्दों में दोहराएं, तरंग प्रसारित करें, हर ओर
तरंग प्रसारित करें। ध्यान प्रार्थना का तप, अर्जित किया हुआ तप, गिलहरी जितना चाहे छोटा सा तप लोक कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सबसे पहले तमोगुणी लोग जो हैं उनको इस गुण को जरूर लाना है, इस क्वालिटी को। कौन सी क्वालिटी? बाकी लोग भी लाएंगे मगर तमोगुणी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, भीम और सहदेव जैसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वालिटी है निरंतरता। निरंतरता यानी कोई कार्य हम शुरू करते हैं, कोई अभ्यास हम शुरू करते हैं, रोज़ 10 मिनट ध्यान करना ठानते हैं तो रोज़ हम 10 मिनट देते ही हैं, या व्यायाम करने का सोचते हैं तो हम रोज़ व्यायाम करते ही हैं। भले आपने सोचा हो हफ्ते में 5 दिन कम से कम मैं ध्यान करूँगा, व्यायाम करूँगा, तो हर हफ्ते में देखोगे किसी दिन मेहमानों के कारण नहीं हो पाया, मगर हफ्ते के अंत में 5 दिन तो ध्यान हुआ, व्यायाम हुआ, या जो भी आप आदत अपने अंदर डालना चाहते हो। निरंतरता से करने वाले, आप हुनर चाहते हो, कोई कला चाहते हो, रियाज करना है आपको, वो रियाज निरंतरता से करने वाला गुण लोग शुरू करते बंद कर देते, शुरू करते बंद कर देते हैं। तमोगुणी के लिए विशेष ये धोखा होता है। तो वे लोग क्या करेंगे? निरंतरता का रहस्य समझेंगे। निरंतरता का रहस्य, निरंतरता का रहस्य क्या है, कैसे काम में आता है, और जिन्होंने ये रहस्य नहीं समझा उनका क्या नुकसान होता है। रहस्य क्या है उदाहरण से समझो। एक इंसान को किडनी में स्टोन है, अब उसने पानी पीना शुरू किया, अभी उसको मालूम नहीं है क्योंकि दर्द वगैरह कुछ नहीं है। अब उसने ठान लिया मैं निरंतरता से रोज पानी पीऊंगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदत है, तो अभी वो पानी पीता है रोज। पानी पीना बढ़ा दिया उसने। अब पानी पीना बढ़ाने से क्या हो गया? वो जो स्टोन था ना वो पिघलने लगा, पत्थर पिघलने लगा। पत्थर पिघलने लगा तो थोड़ा छोटा हो गया, छोटा हो गया तो उसको हिलने की जगह मिल गई, पत्थर को अंदर हिलने की जगह मिल गई। पहले तो जैम पैक था किडनी के अंदर, अब पत्थर थोड़ा पिघला, हिलने लगा तो क्या हो गया? दर्द शुरू हो गया, साइड में दर्द शुरू हो गया। इतना ज़्यादा हो गया दर्द, तो समझदार होगा तो निरंतरता जारी रखेगा, यानी पानी पीना जारी रखेगा। जिसको ये जानकारी नहीं है, निरंतरता का रहस्य मालूम ही नहीं है, उसे क्या गलती होगी? अरे पानी पीने से गड़बड़ हो गई, पानी पीना बंद। मगर दूसरा पानी पीना जारी रखता और वो उस पत्थर से मुक्त हो जाता है जो अंदर था, वो पिघलकर निकल गया यूरिन से, क्योंकि उसने
रहस्य समझा था, निरंतरता रखनी है, मगर इसमें कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है कि जो पानी आप पिएंगे निरंतरता से वह शुद्ध हो तो ही अंदर साफ होगा, इंसाफ होगा, इन अंदर इंसाफ होगा, उसके बगैर इंसाफ नहीं होगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।